यूं तो आगरा बेपनाह मोहब्बत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन यहाँ नए साल में आपको कुछ ऐसा तोहफा मिलने जा रहा है जिससे आपको ग्रह नक्षत्रों की न सिर्फ जानकारी मिलेगी बल्कि ग्रहों से जुड़ी अहम जानकारियां भी हासिल हो सकेंगी। क्या है आगरा के नक्षत्र वाटिका की खूबी, देखिए इस रिपोर्ट में। ये है आगरा का शाहजहां गार्डन, जहां इन दिनों उद्यान विभाग की नई वाटिका चर्चा में है। इस वाटिका में ग्रह नक्षत्रों के अनुसार पौधों को लगाया गया है, यानी किस ग्रह के लिए आप कौन सा पौधा लगाएं, इसकी जानकारी यहां आपको आसानी से मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि ग्रह का नाम शुक्र यहां पर बोर्ड लगा हुआ है और जो पेड़ है उसका जो पौधा है वो गूलर है, यानी कि अगर आपका शुक्र खराब है तो आप गूलर का पौधा घर में लगा सकते हैं। ऐसे ही सामने आप देख सकते हैं कि केतु है, तो केतु का जो नाम है और उसका जो पौधा है उसका नाम कुश है, यानी कि ये जो पौधा है इसका नाम कुश है और इसे आप लगा सकते हैं। बृहस्पति जो है वो पीपल से ठीक होता है, तो ठीक दाहिने आप देख सकते हैं कि बृहस्पति जो ग्रह है उसके जो पौधा है वो उसे पीपल माना जाता है। तो ऐसी जो नवग्रह वाटिका जो यहाँ पर तैयार की गई है, इसमें अलग अलग नौ ग्रह हैं, अलग अलग पौधे हैं कि कौन सा पौधा आप अपने घर में लगाएं और आप ग्रह नक्षत्र से मुक्ति पा सकते हैं। शास्त्रों की माने तो ग्रह नक्षत्रों का असर पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड और इंसान तक पड़ता है। ऐसे में इनके लिए अलग अलग पौधों का जिक्र है जो आगरा के शाहजहां गार्डन में लगाए गए हैं। इस नक्षत्र वाटिका में लोगों का आना अभी से शुरू हो चुका है, लेकिन विधिवत रूप से इसे नए साल में खोला जाएगा। तो नवग्रह वाटिका है, नौ प्रकार की जो भी पौधे लगे हुए हैं और वो जो पौधे तैयार किए गए हैं और उनके नाम भी हैं बाकायदा, और एक जो है निक्षित्रिक वाटिका है जिसमें 27 वो हाँ निक्षित्र के जो पौधे हैं वो लगाए गए हैं हमारे उद्यान विभाग की तरफ से। उद्यान विभाग इस वाटिका को कई मायनों में खास मानता है। अव्वल तो ये कि ग्रह नक्षत्रों की यहाँ जानकारियाँ मिल जाएंगी, तो वहीं इस वाटिका से पौधा रोपण की प्रेरणा भी मिलेगी। पर्यावरण से जुड़ने का भी एक मौका मिलेगा लोगों को, पेड़ लगाने के लिए एक प्रेरणा मिलेगी। उसी तरह से जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी यहाँ आते हैं, वो भी पेड़ों के बारे में देखेंगे, जानेंगे और ज्ञानवर्धन होगा उनका, और ज्योतिष के हिसाब से भी इनका बहुत महत्व है। उद्यान विभाग की नक्षत्र वाटिका लगभग तैयार है, लेकिन अब भी कुछ कार्य बाकी है जिन्हें 31 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और जल्द ही इसे सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा, जो पर्यावरण और ज्योतिष की दुनिया में नए आयाम स्थापित करेगा। दोनों वाटिकाओं में लोग यहाँ पहुँचते हैं, पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, जानकारी करते हैं। स्थानीय जो लोग हैं वो यहाँ जब सुबह मॉर्निंग वॉक पर टहलने के लिए साझा गार्डन में आते हैं तो वो जरूर यहाँ आते हैं और इस बात को देखते हैं कि कौन से ग्रह के लिए, कौन से नक्षत्र के लिए कौन सा पौधा उन्हें घर ले जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।